हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी, सूजी चीला रेसिपी। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे सूजी, बेसन। आप चाहे तो कोई एक चीज़ से भी बना सकते हैं, सूजी या फिर बेसन से भी। हमने यहाँ पर दोनों का यूज़ किया है, दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें डाल देंगे खट्टी दही, इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, कटा हुआ प्याज। हमने इसे लंबे पीसेस में कट किया है, आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को हम डालकर मिक्स कर लेंगे एक चम्मच से। अब हम डालेंगे इसमें पानी और इसे अच्छा सा घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। इसे कवर करेंगे, कवर करके हम इन्हें 10 मिनट रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, बटर हमारा फूल गया है, देखिए। अब हम इसमें फिर से पानी ऐड करेंगे, घोल को थोड़ा पतला करेंगे मिक्स करके। पानी को हम कलछी से थोड़ा सा निकाल ले रहे हैं एक कटोरी में, क्योंकि घर में बच्चे हैं, बच्चे बहुत तीखा नहीं खा पाते हैं। अब हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च, ताकि थोड़ा यह तीखा हो जाए। अब हम डाल देंगे इसमें इनो पाउडर, इस पानी डाल लेंगे आधा चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने पैन रख दिया है, पैन हमारा गर्म हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच ऑयल, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। इस पर डाल देंगे हम 2 करी पत्ता और थोड़ा सा डालेंगे सफ़ेद तिल, 1 कलछी बटर डालेंगे जो बना के रखा था, उसको फैला देंगे। आप अपने मनपसंद साइज़ में इसे बना सकते हैं, छोटा या बड़ा, जैसा आपको रखना हो आप रख सकते हैं। हमने इसे मीडियम में बनाया है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। इसे दोनों साइड से हम पलट पलट कर सेक लेंगे। बहुत ही जल्दी, बहुत ही झटपट सा हमारा रेसिपी ये बनकर रेडी हो जाता है, और बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है ये। तो चलिए आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार। जब कभी आपको समझ में ना आए हम क्या बनाएं सुबह सुबह, कभी कभी ऐसा होता है ना, सुबह सुबह उठो तो समझ में नहीं आता क्या बनाएं ब्रेकफास्ट में या फिर लंच बॉक्स के लिए बच्चों को, तो फिर ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। आज मेरे साथ यही हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं चीला बना डालती हूँ। बहुत जल्दी बन भी जाता है और सबको बेहद पसंद भी आता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बेहद पसंद आने वाला है ये। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियोस को देख सकें। मैं इसी तरीके से बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँगी, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं और ईज़िली आप अपने घर पर बना सकते हैं। इसी तरीके से हम बचे हुए बटर को भी चीला बनाकर रेडी कर लेंगे। हमारा रेसिपी बनकर रेडी हो गया है। अब इसे आप चटनी, सॉस, खट्टी दही या फिर मीठी दही या फिर मसाले वाली दही, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। अभी सर्व करने के लिए रेडी है। फिर मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।